हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप अभी आप बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे, राइट? आप 3-4-5 महीने से पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे होंगे। हाँ, कुछ कुछ लोगों का पेशेंस लूज हो गया होगा, राइट? कि यार अभी इतने मंथ्स हो गए पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम कब आएगी, एग्जाम कब खत्म होगी। तो आप याद रखिए कि आपने 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स जितने भी मंथ्स आपने हार्डवर्क किया है, राइट, आप पेशेंट रहे हैं। क्यों? एक गोल के लिए। तो एक महीना और आप हार्डवर्क कीजिए और पेशेंस रखिए। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, वो गोल अचीव करना है, राइट? इतने महीने आपने मेहनत की है, पेशेंस रखा है जिस गोल के लिए, अगर अभी आप क्या करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और होप छोड़ देंगे और ये सोचेंगे यार अभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, अब नहीं पढ़ता, तो क्या होगा, आप हो सकता है वो गोल को अचीव ना कर पाए। तो आपको क्या करना है, हार्डवर्क करते रहना है और कंसिस्टेंट रहना है अभी, राइट? मुझे पता है ये एक ऐसा समय है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक पे है कि अब बस पेपर आ जाए, मैं लिख दूं जैसे भी जाए, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, राइट? आपको पेशेंस रहना है, काम रहना है। हो सके तो मेडिटेशन कर लीजिए 10 मिनट दिन में अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो, और हार्ड वर्क क्या करना है आपको करते रहना है, राइट? कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे मैम 3 मंथ्स मैंने नहीं पढ़ा, 3 मंथ्स वगैरह अब मैं नहीं पढ़ने वाला। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे 3-4-5 महीने से पढ़ रहे हैं, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, उनका नहीं, उनके सामने मेरा कहां होने वाला है, राइट? क्योंकि मैंने तो अभी पढ़ा ही नहीं, अभी स्टार्ट किया है 10-15 दिन पहले पढ़ना, मेरा नहीं होने वाला उनके सामने। आप ऐसा मत करिए, आप पढ़िए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो वीडियोस बनते हैं, हाउ टू बिकम CA इन 20 डेज, हाउ टू क्लियर IPCC इन 20 डेज, राइट? आई एम नॉट द वन हु विल रिकमेंड दिस। अगर आप 4 महीने पहले मुझसे पूछते तो मैं सबको यही बोलती कि सब हार्डवर्क कीजिए, पूरा पढ़िए। क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली वे जहां 100% श्योरिटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही। लेकिन आज जब हम जिस पॉइंट पे हैं तो मैं बोलूंगी ठीक है, आपने 10-15 दिन पहले भी स्टार्ट किया है पढ़ना, तो आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप ये मत सोचिए ये तो 6 महीने से पढ़ रहा है, मेरा का होगा, इसका ही होगा। आप ये सोचिए कि क्या मैं स्मार्ट स्टडी करके ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकता हूँ, बिकॉज यू कैन बी लकी। अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो ऑफकोर्स अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप तो आपको सक्सेस तो मिलेगी ही नहीं, राइट? तो आपको क्या करना है, अभी स्मार्ट स्टडी करना है, यू कैन बी लकी, राइट? हार्डवर्क तो पहली चीज है ही, 4 महीने पहले तो मैं यही बोलती हूँ हार्डवर्क कीजिए, राइट? लेकिन आज भी आप स्मार्ट स्टडी करके हो सकता है क्लियर हो जाए, यू कैन बी लकी। नहीं पढ़ना तो ऑप्शन है ही नहीं। तो चाहे आपने 6 महीने पहले से पढ़ा हो, चाहे 10 दिन पहले से ही क्यों शुरुआत ना की हो, आपको अभी क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है और पढ़ाई करनी है, राइट? इसके अलावा मैं आपको बोलूंगी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, सो स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी, स्लीप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।